Amazon बिजनेस को ग्रो करने में एड्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जब हम पीपीसी कैंपेन्स रन करते हैं तो हमें चाहिए होते हैं वो कीवर्ड्स जिनका कन्वर्जन रेशियो हाई हो, मतलब वो कीवर्ड्स जिनसे हमें ज्यादा से ज्यादा सेल्स आए। और इन कीवर्ड्स को ढूंढने का ट्रेडिशनल तरीका ऑलमोस्ट सबको पता है और सब यही करते भी हैं। सबसे पहले कुछ पीपीसी कैंपेन्स रन करेंगे, फिर रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे टू फिगर आउट कौन से कैंपेन्स कन्वर्जन दे रहे हैं। जिन कैंपेन्स से सेल्स आ रही होगी उन्हें चलने देंगे और जिनसे सेल्स नहीं आ रही होगी उन्हें पॉज कर देंगे, है ना। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा एक अमेजिंग तरीका जिससे आप अपने कॉम्पिटिटर के पीपीसी कैंपेन्स पता कर सकते हैं, उन कैंपेन्स में कौन से कीवर्ड्स हैं ये पता कर सकते हैं, कैंपेन्स टाइप क्या है, क्या वो ऑटो है, ब्रॉड है या फ्रेज है, ये भी पता कर सकते हैं। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, एल्स फ्यूचर में आने वाले ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस आप मिस कर देंगे। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर, लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। इसके लिए हम एक टूल का यूज करेंगे जिसका नाम है सेलर स्प्राइट एड इनसाइट्स। तो सबसे पहले आपको सेलर स्प्राइट पे अपना अकाउंट बना लेना है। अब सेलर स्प्राइट एड इनसाइट टूल को यूज करने के दो तरीके हैं एंड उसके लिए हमें अकाउंट बनाना होगा, तो ऑब्वियसली मैं वो तरीका बहुत बार बता चुका हूं आपको। आपको नॉर्मली सेलर स्प्राइट की वेबसाइट पे जाना है और अकाउंट बना लेना है। दूसरा तरीका है कि आपको क्रोम वेब स्टोर पे जाना है जहां पे आपको सेलर स्प्राइट जो अमेजोन रिसर्च टूल का ब्राउजर एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूं इसलिए रिमूव क्रोम का ऑप्शन आ रहा है। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहां पे ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली क्लिक करना है और वो ऊपर आपके ब्राउजर में ऐड हो जाएगा, ठीक है। जब आप अकाउंट बना लेंगे नेक्स्ट स्टेप में आपको amazon.in पर आना है या जिस भी मार्केट प्लेस पे आप सेलिंग कर रहे हैं उस पे आना है और अपने कॉम्पिटिटर की लिस्टिंग पे जाना है, ठीक है। तो लेट सपोज मैं इस नेक फोन को एज अपना कॉम्पिटिटर कंसीडर करता हूं आज के लिए फॉर एन एग्जांपल, और हम इसकी लिस्टिंग को ओपन करें। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे हमारी amazon की लिस्टिंग ओपन हो चुकी है, हमारे कॉम्पिटिटर जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं आज उसकी लिस्टिंग ओपन हो चुकी है एंड हमने सेलर स्प्राइट का जो एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था उसकी वजह से हमें बहुत सारा एडिशनल डेटा भी आ रहा है ऊपर। जैसे आप यहां पे देखेंगे ये पूरे टैब में हमें लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर, सेल्स ग्राफ, बीएसआर वगैरह मिल रहा है एंड नीचे यहां लिस्टिंग के नीचे भी हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। इवन आप देखेंगे सेलर स्प्राइट का यहां पे हमारे एक टैग मिल गया है जिस पे आप जैसे ही होवर करते हैं तो नई चीजें यहां पे निकल कर आ जाती हैं जिनको यूज करना मैंने ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस में आपको बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं डू वॉच इट, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं या जिस स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं वो है एड इनसाइट्स, कि कैसे हमारे कॉम्पिटिटर्स किस टाइप के एड्स रन कर रहे हैं, कौन से कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो वो आज हम फिगर आउट करेंगे। तो उसके लिए हम यूज करेंगे सेलर स्प्राइट का एड इनसाइट टूल। तो आप देखेंगे यहां पे एड इनसाइट लिख के आ रहा है एंड वी सिंपली क्लिक ऑन इट। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सेलर स्प्राइट का जो डैशबोर्ड है, जो टूल वाला डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा और आप देखोगे कि यहां पे एड इनसाइट ओपन हो चुका है। हमारा जो एसिन था, जो हमारा प्रोडक्ट था, वो यहां पे आ चुका है। मार्केट प्लेस हमारी इंडिया ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होकर आ चुकी है और ये हमारा पूरा प्रोडक्ट यहां पे आ चुका है, OnePlus Bullet Z2 ब्लूटूथ वायरलेस इन ईयरफोन विद माइक एंड ऑल। आप यहां पे एक चीज और नोटिस करेंगे कि इस एसिन के और सारे वेरिएशंस को मिलाकर इस प्रोडक्ट के लिए 6 कैंपेन्स रन हो रहे हैं और 13 एड ग्रुप्स हैं, ठीक है। एंड द गुड पार्ट कि आप नीचे जब देखेंगे तो आपको सभी यहाँ पे कैंपेन्स दिख जाएंगे, सभी एड ग्रुप्स दिख जाएंगे। तो अब आपको हो सकता है ये लग रहा हो कि यहाँ पे तो कैंपेन 6 थे लेकिन यहाँ पे बहुत सारे दिख रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों एग्जाम्पल को कंसिडर करेंगे तो आप देखेंगे कैंपेन नेम सेम है हमारे, तो बेसिकली यहाँ पे वेरिएशन है। तो वेरिएशन एक ही कैंपेन में दो एड ग्रुप चल रहे हैं। तो जैसे जैसे अभी हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको ये सारी क्लैरिटी आती जाएगी, नॉट टू वरी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट ध्यान से सुनेंगे तो सब चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे 6 कैंपेन्स हैं यहाँ पे इस प्रोडक्ट पे और 13 एड ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पे ये जो डेटा आपको दिख रहा है ये सब वीक वाइज दिख रहा है, तो आप देखेंगे नीचे डेट्स आ रही हैं, इसके ऊपर आपको ये बबल दिख रहे हैं। तो बेसिकली ये बबल हैं जो ये बताते हैं कि इनके अंदर कितने नंबर ऑफ कीवर्ड्स हैं। तो जितना बड़ा बबल होगा तो उतने कीवर्ड्स उसके अंदर होंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस छोटे से ब्लू बबल में 3 कीवर्ड है, थोड़ा सा बड़ा बबल देखते हैं तो ये थोड़ा सा पर्पल कलर का, इसमें 9 कीवर्ड है। तो लेट्स गो बिट डाउन, तो आप देखेंगे ग्रीन वाला थोड़ा सा और बड़ा है तो इसमें 15 कीवर्ड है। तो आपको इस तरीके से डेट वाइज डेटा दिखेगा एंड इसके अंदर आप नंबर ऑफ सिस्टम देख सकते हैं। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप वीक की बजाय मंथ का डेटा एनालाइज करें। तो यहां पे हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप वीक वाइज डेटा देखना चाहते हैं या मंथ वाइज, तो आप यहां पे मंथ करेंगे एंड और अब आप देख सकते हैं कि डेटा हमारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ गया। अब हमें क्लियर तरीके से दिख रहा है कि कितने सिस्टम एक बबल में है, कितने बड़े बबल है। तो आप देख सकते हो यहां पे बहुत सारे कलर्स आ गए हैं और काफी बड़े बड़े बबल्स भी दिख रहे हैं। तो आप यह देखोगे ग्रीन कलर में 149 सिस्टम यूज हुए हैं, वहीं पे एक
ही कैंपेन चला आ रहा है, ठीक है, एक ही कैंपेन है। ये हमारा जुलाई 2023 में था, अभी आप देखोगे अप्रैल 2024 में इन्होंने 149 कीवर्ड्स इसमें यूज किए हैं, नेक्स्ट मंथ 143 यूज किए हैं, एंड देन वो कम हो गए हैं 35 एंड 50। तो यहां पे अब की टिप सुनिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है और इससे आप फिगर आउट करेंगे कि जो कैंपेन्स हैं, जो आपका कॉम्पिटिटर है वो किस टाइप का कैंपेन रन कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आपको एक चीज बात समझनी होगी, जितने भी बड़े बबल्स होंगे, जब नंबर ऑफ कीवर्ड्स एक कैंपेन के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, एक एड ग्रुप के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, तो देयर आर हाईली लाइकली चांसेस वो या तो ऑटो कैंपेन होंगे या ब्रॉड कैंपेन होंगे, ठीक है। क्योंकि ऑटो कैंपेन्स में हमें भी पता है अमेज़न हर टाइप के कीवर्ड्स को टारगेट करता है, चाहे वो डायरेक्टली रिलेटेड हो, इनडायरेक्टली रिलेटेड हो या लूजली रिलेटेड हो, ठीक है। अभी हम उन कीवर्ड्स को भी देखेंगे, लेकिन पहले आप ये समझिए कि ये कैंपेन टाइप क्या है, ठीक है। तो आपको ये क्लैरिटी आ गई है कि जितना बड़ा बबल होगा या जिसमें बहुत ज्यादा कीवर्ड्स होंगे, देयर आर हाईली लाइकली चांसेस कि वो या तो वो ब्रॉड कैंपेन होगा या ऑटो कैंपेन, ठीक है। वहीं पे आप देखोगे अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो जैसे इसमें देखेंगे हम लाइट ग्रीन कलर में, यहाँ पे 12 सर्च टर्म है, अगले में 25 है, देन 20 है एंड देन 13 है। तो अगर आपके नंबर ऑफ सर्च टर्म्स सिमिलर से हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, तो ये मान के चलिए कि वहां पे या तो फ्रेज मैच यूज हुआ है या एग्जैक्ट मैच हुआ है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कॉम्पिटिटर किस टाइप का मैच रन कर रहा है, क्या वो ब्रॉड है या ऑटो है या फ्रेज है या एग्जैक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है यहाँ पे, अब देखिए हमारा कॉम्पिटिटर ऑलरेडी ऑटो कैंपेन्स रन कर चुका है, वो बहुत सारे कीवर्ड्स पे अपने पैसा और टाइम लगा चुका है, और उसमें से कुछ उसने बेटर जो कन्वर्जन दे रहे हैं कीवर्ड्स वो फिगर आउट कर लिए, तो हमें एग्जैक्टली उन्हीं कीवर्ड से मतलब है। तो मैं जो ऑटो कैंपेन्स हैं इस कॉम्पिटिटर के, मैं उनको टारगेट नहीं करूंगा, मैं वो कैंपेन्स जिसमें जो बहुत ही स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं प्रोडक्ट रिलेटेड जो कन्वर्जन दे रहे हैं, राइट। तो मैं जिसमें 25 कीवर्ड हैं, 19 कीवर्ड हैं, 20 कीवर्ड हैं, मैं उनको एनालाइज करने का आपको सजेस्ट करूंगा। तो लेट सपोज इसमें 25 कीवर्ड है, तो हम इस बबल पे क्लिक करेंगे और आपके सामने वो सारे कीवर्ड्स ओपन हो जाएंगे। तो आप देखेंगे यहां पे वो सभी कीवर्ड्स ओपन हो चुके हैं जो उस कैंपेन में यूज हो रहे थे। तो ये है वो 25 कीवर्ड, आप देख सकते हैं। अब बेस्ट पार्ट ये है कि आपको यहाँ पे वो कीवर्ड्स पता चल रहे हैं, वन प्लस बुलेट वायरलेस जो भी टॉप 10 प्रोडक्ट उस पे रैंक हो रहे हैं इस कीवर्ड पे, वो आपको दिख जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पे स्पॉन्सर्ड रैंक देख सकते हैं कि रैंक पे क्या वेरिएशन है। तो आप देखेंगे पहले नंबर 4 था, देन नंबर 4, देन नंबर 4, ये मेंटेन्ड है। लेकिन एक एग्जांपल देखते हैं जहां पे थोड़ा सा वेरिएशन आया, जैसे ये वेरिएशन आया कि ये स्टार्ट में नंबर 4 था एंड देन इसके बाद इसकी रैंक थोड़ी सी डाउन हो गई, नंबर 5 हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लक्चुएशन काफी है। आप देख सकते हो इसकी रैंक 25 थी, देन नंबर 4 पहुंची और फिर 32 हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्पॉन्सर्ड रैंक यहाँ पे देख सकते हो कि उसका ट्रेंड क्या है। इसके साथ साथ आप ऑर्गेनिक रैंक का भी ट्रेंड देख सकते हैं सिमिलर तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। ट्रेंड आप देख सकते हैं कैसा ये ट्रेंड परफॉर्म कर रहा है। आपको यहाँ पे एबीएम मंथली रैंक दिख जाएगी जो कि 17,000 है। इसके अलावा आपको मंथली सर्चेस दिख जाएंगे जो कि ऑलमोस्ट 3,000 है। इंप्रेशन क्लिक्स दिख जाएंगे। आपको सेलर स्प्राइट प्रोडक्ट रैंक दिख जाएगी जो कि 2 है। यहाँ पे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एसिन दिख जाएंगे। क्लिक कंसंट्रेशन, पीपीसी बिड, आपको यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा। जैसे पीपीसी बिड केस में अगर हम देखें तो आपको Z2ANC जो कीवर्ड है वहां पे आप देखोगे कि सजेस्टेड बिड हमारी 8 रुपीज 27 पैसे है एंड मिनिमम मैक्सिमम बिड 6 रुपीज 19 पैसे से 10 रुपीज 34 पैसे कह रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आप वो कीवर्ड्स निकाल सकते हैं जो एक्चुअली सेल दे रहे हैं उस प्रोडक्ट को। तो अगर आपको इस कीवर्ड को और फर्दर एनालाइज करना है कि ये बिड टाइम कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए हम सर्च ट्रेंड ग्राफ को ओपन करेंगे यहां पे क्लिक करके, और आपके सामने इस टाइप का सर्च ट्रेंड ग्राफ ओपन हो जाएगा जहां पे आपको कीवर्ड सर्च वॉल्यूम ट्रेंड दिख जाएगा कि मंथ ओवर मंथ किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अगर आप ईयर वाइज ईयर करना चाहते हैं तो इस टॉगल को ऑन कर लेंगे तो आपको ईयर वाइज पूरा जो डेटा है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजें देख सकते हैं। एंड इसके बाद अगर आप मंथली देखना चाहते हैं तो आप मंथली यहां पे सेलेक्ट करके मंथ वाइज भी डेटा देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको रैंक ट्रेंड भी मिल जाता है कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है कीवर्ड, इस कीवर्ड की जो रैंक है Z2ANC की ऑर्गेनिक रैंक कैसे फ्लक्चुएट कर रही है विद टाइम। द नेक्स्ट इज क्लिक कंसंट्रेशन, तो आपको क्लिक कंसंट्रेशन एंड कन्वर्जन रेट दोनों का रिलेशन पता चल जाता है मंथ ओवर मंथ क्या चल रहा है, पीपीसी बिड में कितना फ्लक्चुएशन आ रहा है। वो शुरू में आप देखेंगे कि 2023 में उतना नहीं था, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पीपीसी बिड काफी हाई हो गई है, ऑलमोस्ट सजेस्टेड बिड 20 रुपीज के अराउंड पहुंच गई है, ठीक है। एंड इस तरीके से आप चीजें देख सकते हैं। एंड फर्दर आपको मार्केट एनालिसिस देखना है प्राइस के हिसाब से, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नंबर ऑफ रेटिंग्स कैसी बढ़ी है, कब बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, वो आप देख सकते हैं। रेट स्टार कितने ऊपर नीचे हुए हैं स्टार रेटिंग्स, वो आप चीजें देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर कीवर्ड कैसा परफॉर्म कर रहा है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, वो आप निकाल सकते हैं। तो अब आप ये समझिए कि आपको बहुत सारे कीवर्ड्स पे
बहुत ज्यादा पैसा या टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, जो ऑलरेडी एक आपका कॉम्पिटिटर कर चुका है आपको उसी की इनसाइट को फर्दर इन डेप्थ एनालिसिस करके आपको अपने फायदे के लिए यूज करना है, ठीक है। ओके, तो अभी हमें इस पर्टिकुलर कैंपेन के ऊपर जितने भी कीवर्ड्स हैं उसका काफी डिटेल्ड एनालिसिस मिल चुका है, डिटेल इनसाइट्स मिल चुके हैं, बट अगर आप और देखना चाहते हैं और डेटा देखना चाहते हैं और वो कीवर्ड्स निकालना चाहते हैं जिनसे और ज्यादा सेल हो रही है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट के नीचे आप देखेंगे रिवर्स एसिन का एक ऑप्शन आ रहा है, तो वंस यू क्लिक ऑन इट आपके सामने इस एसिन से रिलेटेड पूरा डेटा आ जाएगा कि इसका कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, ऑर्गेनिकली कैसा परफॉर्म कर रहा है, स्पॉन्सर्ड एड्स की वजह से कैसा परफॉर्म कर रहा है, और जब आप नीचे होगे तो आपके यहाँ पे वर्ड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, कौन सा वर्ड कितनी बार यूज हुआ है, एंड आप यहाँ देख सकते हैं वन प्लस का प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली वन प्लस सबसे ज्यादा है, नेक बैंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स ये कितने ज्यादा यूज हो रहे हैं, उनके नंबर्स उन कीवर्ड्स के आगे लिखे हुए हैं, एंड इसके बाद आप देखोगे जितने भी कीवर्ड फ्रेजेस हैं वो सब यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है, इस लिस्टिंग से रिलेटेड। इसके बाद आपको क्लिक शेयर मिल जाएगा यहाँ पे, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी काफी वीडियोस में बताया हुआ है। कीवर्ड टाइप आपको यहाँ पे पता चल जाता है, ऑर्गेनिक है, नीचे आप देखेंगे अमेजोन चॉइस है, स्पॉन्सर्ड एड वर्क्स है, तो इस तरीके के सारे कीवर्ड टाइप आपको पता चल जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाता है कि इस कीवर्ड की वजह से ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना आ रहा है या आपके एड्स की वजह से कितना ट्रैफिक आ रहा है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ऑर्गेनिक हमारा 83% ट्रैफिक है इस कीवर्ड की वजह से, एंड एड्स हमारे 16% से ज्यादा का ट्रैफिक दे रहे हैं इस कीवर्ड की वजह से। इसके बाद आपको ऑर्गेनिक रैंक्स यहाँ पे मिल जाती है, स्पॉन्सर्ड रैंक है, ट्रेंड है, एबीए रैंक है, मंथली सर्चेज आपको यहाँ पे दिख जाती है, टाइटल डेंसिटी, मंथली परचेजेस, यहाँ पे आपको कन्वर्जन दिख रहा है, कितने सर्चेस पे कितना कन्वर्जन हो रहा है, इंप्रेशन एंड क्लिक्स आपको मिल रहे हैं, एंड इसी तरीके से आप ये सारी चीजें इस कॉम्पिटिटर से रिलेटेड आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। तो एड इनसाइट बहुत ही अमेजिंग टूल है यूज करने के लिए, स्पेशली जैसे मैंने बताया कि हमारा टाइम और पैसा काफी बच जाता है। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि यार एक एक करके मैं कितने प्रोडक्ट्स को एनालाइज करूंगा, बहुत ही मुश्किल टास्क है ये, तो ऐसा नहीं है, आप एक साथ 20 एसिंस को यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ पे 20 एसिंस डाल सकते हैं इस फील्ड में, एंड अगर आप 20 कॉम्पिटिटर्स को यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं तो आई एम 100% श्योर कि आपको बहुत अच्छा यहाँ से इनसाइट मिल जाएगा, कौन से कीवर्ड्स पे आपको कैंपेन रन करना है, किस टाइप का कैंपेन रन करना है, ये आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। तो इस तरह आप अपने कॉम्पिटिटर का या किसी भी प्रोडक्ट के एड्स के इनसाइट्स चेक कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपने काफी पैसे एंड टाइम दोनों बचा सकते हैं, क्योंकि आपको हजारों कीवर्ड्स पर कैंपेन रन नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ उन पर रन करना है जो आपके कॉम्पिटिटर के लिए बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। सेलर स्प्राइट टूल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ऑल्सो ये टूल आपको बहुत सारे फीचर्स देता है, कुछ फ्री है और कुछ पेड, लेकिन अगर आप पेड टूल लेने का सोच रहे हैं तो 35% डिस्काउंट जरूर अवेल करें बाय यूजिंग कोड MR30। अकाउंट बनाते वक्त MR30 कोड यूज करना ना भूलें। और अगर आपको Amazon बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो मैं चलता हूं अब आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई करने, और आप देखिए नेक्स्ट ये वाला वीडियो।